नमस्कार, चुनावी दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बरेली लोकसभा सीट की। दरअसल बरेली लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की गढ़ मानी जाती है और इसी गढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी से संतोष गंगवार करीब 8 बार सांसद बने हैं। इस बार संतोष गंगवार का टिकट काट दिया गया है और छत्रपाल गंगवार को बीजेपी ने बरेली लोकसभा सीट से इस बार टिकट दिया है। वजह क्या थी कि संतोष कुमार गंगवार का टिकट कट गया? क्या जनता ने नकार दिया या फिर क्षेत्र में काम नहीं कराया? ऐसे कई विषय और कई मुद्दे उनके टिकट कटने की वजह जो है वो मानी जा रही है। संतोष गंगवार ने बरेली शहर के पास फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक में गांव में रहपुरा जागीर को आदर्श बनाने के लिए गोद लिया था। इसके बावजूद भी गांव आदर्श नहीं हो पाया और लोग अभी भी इसकी शिकायत कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक काम जरूर कराए हैं जिनको लोग बता भी रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के कई सिटिंग सांसदों का टिकट बीजेपी काट रही है, उसमें से एक नाम जो है वो संतोष गंगवार का भी है, जो कि आपको बता दें कि बरेली लोकसभा सीट से लगातार अपनी जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने संतोष गंगवार का जो टिकट है वो काट दिया और छत्रपाल गंगवार को बीजेपी ने इस बार बरेली से जो है वो टिकट दिया है। इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन आज शुरुआत हम यूपी से कर रहे हैं, तो रुख भी हम सबसे पहले यूपी का करेंगे। सत्येंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं, जो कि वहां की जनता के बारे में बताएंगे और जनता का मूड क्या है और पिछले सांसद के काम से वो कितने खुश थे नहीं खुश थे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र बताइए, कौन सी लोकसभा में इस वक्त आप खड़े हैं और क्या है जनता का मूड इस बार? सत्येंद्र, मैं इस वक्त बरेली लोकसभा सीट पर हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है और यहां से संतोष गंगवार 8 बार सांसद रहे हैं और लगातार पार्टी उनको टिकट देती रही, लेकिन इस बार टिकट काट दिया गया है। वजह क्या रही है, क्या जनता ने उनको नकार दिया है या फिर उन्होंने पार्टी के माफिक काम नहीं किया, ऐसी तमाम अटकलें हैं और जो सामने आ रही हैं, लोग कई तरीके का अनुमान लगा रहे हैं। मैं उस गांव में मौजूद हूं जहां संतोष गंगवार ने जिस गांव को आदर्श बनाने के लिए चुना था, इसको गोद लिया था और यहाँ की आबादी की बात, करीब 10,000 आबादी है, करीब 6,000 की पोलिंग होती है और संतोष गंगवार है, लेकिन इस गांव में एक भी गंगवार नहीं है। यहाँ खाता आदमी की टांग टूट गई बाद गाड़ी से है? बारिश से फिसल गई रोड पे। हाँ, क्या कह रही है, क्या कह रही है? तो लखनऊ में किस के मारे थे तो किस हो जाते, कहाँ जाएंगे? मोदी जी की तो वोट देते, मोदी जी को वोट देते, काम नहीं कराते। मोदी जी काम ना करा, कारेट गरीब खराब के तो कारेट ना आई, बड़े बड़े लोगन के गल्ला मिले, गरीब के एको दाने ना मिल रहे। अरे गल्ला नहीं मिलता है ना, कारेट काट दो। मोदी जी से यहाँ कहो कि मोदी जी हमारा क्यों काट? अच्छा, मोदी जी के कहते हैं अकारट कितना काट दे, मोदी जी ना काट दे, गल्ला बाड़ी जखाई देते, अकारट बनना रहे गरीब की। बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है? हाँ, बड़े बड़े लोगों के मिल रहे। कालो नहीं मिले क्या आपको? कालो नहीं मिली आपको? हमारे कुछ ना मिले। अच्छा, और शौचालय आया था? हाँ, शौचालय मिलेगा। शौचालय मिला है? हाँ मिलेगा। धीरे धीरे सब चीज मिलने की उम्मीद है? हाँ, देखो मोदी जी जो कर रहे सो देख जाए। किससे उम्मीद है आपको? अब मोदी जी की उम्मीद है अब। अच्छा, हाँ तो वोट भी मोदी जी को? हाँ, मोदी जी के देंगे। मोदी जी से उम्मीद है, मोदी जी से शिकायत है, मोदी जी को ही वोट देंगे, क्या कहेंगे? पार्टी तो सही नहीं है, मोदी तो बढ़िया होंगे। हाँ, पार्टी सही नहीं, मोदी तो काम कराते, मोदी थोड़ा कराऊंगे इनका। हाँ, आप बताइए तो कोई और आएगा तो उसको सपोर्ट करेंगे क्या? हाँ, उनके मुठिया भाई है मोदी जी, कोई पार्टी आई? अच्छा, मतलब मोदी जी के लोग काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी का काम कर रहे हैं सब, मगर और पार्टी ना पार्टी से चलते हुए बात करेंगे, तमाम लोगों को साथ में ले लेंगे। आइए बताइए कहाँ कहाँ है, आइए आइए आओ, बस है ऐसे ऐसे उधर उधर ऐसे निकलेंगे गांव को, ऐसे पूरे गांव को निकलेंगे होते हुए, बहुत अंदर पड़ जाए, ऐसे करके हम निकलेंगे, थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, लोगों से मिलेंगे और पूरा गाँव जो है कोशिश करेंगे के इसी दौरान पूरा कवर हो जाए और तमाम जो लोगों की समस्याएं हैं वो समस्याएं भी दिखाई जाएं। चाचा, क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। कोई समस्या है आपको यहाँ? ना, बीजेपी ने काम कराया है? हाँ, कराओ वो तो कराया है ना। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं करा है नाली सड़क में। हाँ, नाली सड़क में कल शिकायत है क्या? और नाली सड़क की शिकायतें हैं, अधिकारी रोड से ही लौट जाते हैं, मतलब गाँव के अंदर नहीं आते हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारी जो है रोड से लौट के चले जाते हैं और ये शिकायतें समस्याएं रेखा जी इस गांव में है, जहां पर 8 बार सांसद जो है संतोष गंगवार यहां पर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं,
और ऐसे में इस गांव का कायाकल्प नहीं हुआ है, तमाम लोग मेरे पीछे हैं रेखा जी। और मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा ग्राउंड की के अभी तो कुछ दिखाया नहीं है, आगे जो देखा था हमने ऑन कैमरा नहीं देखा था उस समय, लेकिन विजिट किया था तो वहां भी हम लेके चलेंगे कि लोगों की जो समस्याएं हैं, मोदी जी जिस तरीके से तमाम वादे करते हैं, अपने जो तमाम जो उनके हलकारान हैं उनको आदेश करते हैं, उसके बावजूद भी अगर काम ग्राउंड पे नहीं होता तो जनता की शिकायत वाजिब है। और ये इन शिकायतों की वजह से लग रहा है रेखा जी को उनका जो है टिकट कटा है, और इसी टिकट कटने की वजह से यहाँ छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है। क्या आप खुश हैं इस बात से? हाँ खुश है, इनका टिकट कट गया, खुश हैं आप? खुश है। तो आप पहले से भी मांग की थी क्या? दसवां इलेक्शन होगा, दसवां कौन सा? दस बार को जीत गए, नाली नहीं बनी, नाली। अच्छा, यही तो बन गई नाली, पलन को इसी पर वो। अच्छा, ये नाली बन गई। और ये नाली है जो सफाई नहीं होती क्या? ना कौन सफाई नहीं होती, सफाई नहीं होती, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है? अच्छा, आप देख लो सफाई है नहीं, जी देखो। अच्छा, ये वाली नाली है ना, इसकी सतेंद्र नाली नहीं बनी, सड़क नहीं बना, ग्राउंड तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, चूंकि इस वक्त आप बरेली लोकसभा में हैं। नरेंद्र मोदी की जो दो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, एक थी शौचालय की और एक थी गैस चूल्हा यानी कि उज्ज्वला योजना, उसकी भी पोल आप दिखाइए कि गांव के घरों में क्या शौचालय मौजूद है, क्या उज्ज्वला योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, अगर जरूरी हो तो वो सारी तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाइए किसी घर में घुस कर। सत्येंद्र माता जी, शौचालय मिला है माता जी आपको सरकार से? शौचालय नहीं मिला है, आपने अपने आप बनवाया है? क्या परिवार में क्या करते हैं आपके पति, कुछ करते हैं काम? कुछ नहीं करते ना। तो कोई शौचालय नहीं बना है ना। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिला आपको? हाँ, सिलेंडर तो मिलो, सिलेंडर मिला है। हाँ। यूज करती हैं? हाँ। होली पे फ्री मिला था ना? नहीं मिला ना। कहा गया था फ्री मिलेगा? फ्री मिला ना, मिलो नहीं मिला, भरवाओ, हमने 1100 अपने आप भरवाया। क्यों, क्या कहा उन लोगों ने? अखबार में तो आई फ्री भरो जाए, वो दिया नहीं? दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, पूछा नहीं उन लोगों से? अब कौन पूछ तो जाएगा, बाहर भरवा लाए। अच्छा, बच्चे भरवा लाए सिलेंडर, और बता रही है पेपर में दिया गया था कि होली पे फ्री सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला, शौचालय नहीं आया है। ये शौचालय आपने अपने आप बनवाया है? ये शौचालय इन्होंने अपने आप बनवाया है, ये सामने आप देखिए, ये छोटा सा शौचालय है, अभी जो है खुला ही है ऊपर से, ये इन्होंने रेखा जी अपने अभी भी टाइप का पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो विकास की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं जो मोदी जी लगातार अपने हलकारानों को बात करते हैं, ये रोड ये कब कब बनी है, कुछ बना है इसमें क्या? ये रोड बनी थी, रोड काम नहीं है, खरंजा है वो, तीसरी प्रधान ने डरवाया कर, तीसरे प्रधान ने पड़वाया। हाँ। अच्छा, हम और रेखा जी और आगे चलेंगे, जो पूरा रोड जो है एकदम टूटा हुआ है, इसको लेकर के भी शिकायतें हैं, लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जब बारिश के समय में जब लोग निकलते हैं तो इस तरीके का दृश्य होता है कि लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और सामने की ये नालियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसको लेकर के तमाम लोगों की शिकायतें हैं, क्या समस्या है नालियों को लेकर? नाली पानी नहीं कर रहा हूँ, साफ नहीं होती है नाली, नाली साफ नहीं होती है ना, कोई नहीं आता है। हम कहेंगे थोड़ा सा नाली को दिखाइए, किस तरीके की नाली है? नाली साहब बहुत रोटा पे संभाल देते, छुट्टी ले होगी। हाँ, ये नाली है, ये जो है नाली भरी हुई है माता जी, यहाँ साफ हुई है नाली कभी यहाँ पर? नहीं, नहीं कोई नहीं आता है, साफ नहीं हुई है, नहीं नहीं। शौचालय आया है आपका यहाँ? शौचालय मिला है? हाँ मिला है। अच्छा, और गैस कनेक्शन वाला? नहीं, हमारे तक नहीं मिला, नहीं मिला। कुछ लोगों को नहीं मिला है लेकिन कुछ लोगों को मिला है, और ये नाली इनके गेट के सामने बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, देखिए बराबर घूम रहे हैं, बता रहे हैं जानवर भी इसमें गिर जाते हैं, गाय, छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए किस तरीके से बीमारियां बढ़ेंगी। अरे रेखा जी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, नाली नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, क्या मुद्दे हैं इस बार वोट डालने के, इनके मुद्दे जानिए, और पीएम मोदी के कार्य से कितने खुश है ये भी जानिए। मोदी जी के लेकिन जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो कहीं जिम्मेदारी, और यही नाराजगी है बीचों बीच आप इस तालाब का सौंदर्यकरण नहीं हुआ, देखिए ये आदर्श है इसका। हाँ, पैसा आता होगा इसका, अब इसे कभी सफा नहीं किया। तालाब दिखाइए, तालाब थोड़ा सा, और सब घरों से देखिए, चारों लंग घर है, मैंने भी मकान पड़ा हुआ है, इनमें पानी आता है, सब पानी चला जाता है, यह नाली पास नहीं, आदर्श गांव है जिसको सांसद जी ने गोद लिया था, इसका मतलब जीर्णोद्धार और विकास करने की बात हुई थी,
ये तालाब के बराबर रास्ता है, ये रास्ता जो है जितना नीचा तालाब है इतना ही नीचा रेखा जी ये रोड है। आप देख रहे होंगे ये खड़ंजा है जिससे लोग निकलते हैं, बताते गिर जाते हैं। और आगे की तस्वीरें मैं और रोचक दिखाने वाला हूं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की समस्याएं, जो उम्मीदें जो कहते हैं ना कि भगवान से उम्मीदें होती थी, वही उम्मीदें इन लोगों को मोदी जी से थी। हाँ, है ना? बिल्कुल। हाँ, क्या क्या उम्मीदें थी? हर काम हमारा होना ही चाहिए, सुख अच्छी तरीके का सुख मिलना चाहिए। हाँ, ये नाली दिखाइए जरा, ये नाली, ये आगे की नाली है, ये ज्यादा ज्यादा दुख हटा रहे हैं। ये नाली है, देखिए किस तरीके से कहते हैं ना बहुत शौचालय बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये है बरेली लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के 8 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट, जिससे लोग बता ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ काम हुआ है। आगे की सड़क के कैमरा से दिखाइए जहाँ माता जी सब बहन झाड़ू लगा रही हैं, ये देखिए खुद नाली साफ कर रही, उनसे भी बात करेंगे। माता जी यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है क्या? आता है कोई सफाई कर्मचारी? इतने आते होते ही से होते ही चले जाते, उधर से उधर खुद अपने हाथ से करना पड़ता है ना? कितने लोग हैं यहाँ कुछ पता है आपको सफाई कर्मचारी? हमें ना पता, आ जाओ। एक दो लोग आ जाते हैं कभी, बाकी ज्यादातर लोग मोदी जी की जो अवेयरनेस है, लोगों को जो जागरूक किया है मोदी जी ने, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट है जो लोग अपने हाथ से भी सफाई कर ले रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है सफाई कर्मचारियों को, ये सामने देखिए, ये देखिए कितना मच्छर पनप रहा है। माता जी कुछ काम हुआ है? कुछ काम होता है यहाँ? काम हो तो कोई काम नहीं होता है ना। गैस कनेक्शन मिला यहाँ? गैस तो चल तो चल रही है। आवास और वो मिला था आपको? शौचालय नहीं मिला है? ना, नहीं मिला है? ना, नहीं मिला ना, 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 हाँ, लेटर नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला। देखो शौचालय नहीं मिला है इनको और आवास भी नहीं मिला है, और ये गंदगी आप देख ही रहे हैं, ये कोई छिपी तस्वीरें नहीं है। मैं और आगे चलूंगा, माता जी एक झाड़ू लगा रही है सामने, देखिए पल्लू करके पूरा रोड साफ कर रही है, मतलब मोदी जी की मुहिम को और आगे बढ़ाए, यहाँ से रोड शुरू होता है। माता जी कोई शिकायत है मोदी जी से क्या? मोदी जी का शिकायत आएगा सफा का नया है, हम तो अपने मोटर करिए रहे सफा। आप अपने गेट पर कर रही है? हाँ। जब मोदी जी इसके काम से खुश है? हाँ, तो मोदी जी को खुश कहा होंगे, सफा हम कर रहे हैं। हाँ। उन्हें तो तनखा मिल रही है। अच्छा, तो यहाँ के सांसद ने कुछ नहीं कराया? कुछ ना करो, कुछ नहीं कराया। सांसद को लेकर व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत कहीं ना कहीं लोगों में ये विरोध है। ये भी नाली साफ नहीं, ये भी रोड पूरा पड़ा हुआ है, देखिए। और आगे चलेंगे इसी तरीके से जो है पूरा जो रहपुरा जागीर की रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस ग्राउंड लेवल से, शायद ये रिपोर्ट जो है अगर जिम्मेदारों के पास जाएगी। 50 मीटर बैठा वो, 50 मीटर रोड बनवाया। देखिए ये आदर्श गांव में बता रहे हैं 50 मीटर रोड बनवाया गया है। कुछ काम हुआ है यहाँ आपके क्षेत्र में? कोई काम नहीं हुआ है। क्या शिकायत है? कितनी चीज है? अरे संतोष गंगवार ने या बीजेपी ने कोई भी काम नहीं कराया है? तो मोदी जी से खुश है? नहीं, मोदी जी से हमेशा खुश है। मोदी जी से हमेशा खुश है भैया? किससे खुश है मोदी जी से? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश है मोदी जी से तो हमेशा खुश है। हाँ, सही बात है। देखिए मोदी जी से, मोदी जी से जरूर खुश हैं लोग, लेकिन यहाँ विधायकों से और सांसदों से खुश नहीं है, है ना? दोनों से खुश ना है, विधायक सांसद से खुश नहीं। नहीं नहीं, खुश तो मोदी जी से है, मोदी जी से खुश है। मोदी जी की छवि एक नेशनल नेता के रूप में है और लोग सिर्फ मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लोकल के जो प्रत्याशी हैं, जो चुने गए हैं, कहीं ना कहीं जो है उनको लेकर के शिकायत है। भैया कुछ काम धाम हुआ है इधर क्या? हाँ हुआ है, रोडे भी अच्छी हुई है, नाली सब पक्की है, पानी नाली सब पक्की है। हाँ, यह जुमला कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, नाली पक्की है। तो ये सब लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि नाली बड़ी समस्या। नहीं नहीं, थोड़ा सा रास्ता रह गया, बाकी सब तो ठीक है। ये थोड़ा सा बन गया? नहीं नहीं नहीं, सब पूरे गांव में सर्वे करके। जुमलेबाजी में? नहीं नहीं, जुमलेबाजी नहीं, साहब आप खुद देख। अब तो पूरा गांव घूम के आए हैं, तो ये रोड नहीं, तो इधर सब पक्का है। सब पक्का है? हां, उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। ये बताओ, उतर रहे हैं, उतर गीत गा रहे? अरे गीत नहीं गा रहे, नहीं लड़ाई नहीं कराएंगे हम। आगे के ये रोड देखिए, ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये होली चौराहा है। ये होली चौराहा है, तमाम लोग सामने भी खड़े हुए हैं, सब इसी गांव के होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्याएं रही हैं। भैया आप लोग सब यहीं के इसी गांव के हैं? कोई समस्या है आपको यहाँ? समस्या तो बहुत है। क्या नारा है? नाली कैसी है? अच्छा, और आवास आए हैं क्या? है? आवास आए आपको? ना ना, कोई नहीं आता है। नहीं आइए? ना ना, शौचालय आया चाचा?
शौचालय आया आपका? ऐसे शौचालय आए बेका, एक दिन ना चलेंगे, एक दिन ही चलेंगे। हाँ चलो, तो सहयोग राशि दी थी ना शौचालय। हाँ आपके सामने कोई चल रहा दिखा दे रहे हैं शौचालय जैसे है बने हुए, कैसे चल रहे हैं? मुक्का मार दो, सब गिर जाऊंगी, सब बेकार, सब बेकार है। भेजा था ना सरकार ने अपने, कहा ना कोई पैसा कोई पैसा नहीं है, पैसा जब खाते में नहीं आया। किसने बनवाई? ये तो गांव के हां प्रधान ने बनवाई है। खाते में पैसा नहीं क्या आया? पैसा नहीं आया है। अच्छा हाँ, बता दे 12,000 आता है खाते में डायरेक्ट। 12,000 याद तो करेंगे, 11,000 रुपए नहीं आए हैं। 11,000 नहीं आए? हाँ 12,000 में तो बहुत अच्छी बनाई है, मगर 1200 रुपए नहीं बने। हाँ अच्छा, बहुत सही बनी है, ऐसी बनी है, सब खाएगा, सब खाएगा। और क्या? इस बार ये बताओ क्या मन बनाया आप लोगों ने? मन भाई बनाओ, जैसे हम कन्या भाई कन्या है तो मोदी जी से खुश है। हाँ खुश है तो खुश, मतलब प्रधान से खुश ना आए। अरे मोदी जी से खुश तो है ही, मगर कह इनको मतलब जो है विधायक जी से खुश है। विधायक जी से? विधायक जी तो नालायक है जी। अरे नालायक ना कहो, लाइव चल रहा है, लायक नहीं कहते, गलत बात है ये। मोदी जी से खुश है आप? बिल्कुल मोदी जी से खुश है भैया। मोदी जी से खुश है आप? मोदी जी। क्या नाम है आपका? मोर सिंह। मोर सिंह कहीं रहते हैं? क्या करते हैं? मैं सिलाई काम करता हूँ। हम तुम्हारे गाँव में आए, अच्छा लगा? अच्छा लगा। पूरे गाँव में तुम्हारे सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था उन्होंने अच्छी की है। अच्छा टंकी बनी है, उसका पानी आता है? हाँ बिल्कुल आता है। आता है जी? क्या पहुँच जाता है? नहीं, सबके यहाँ सभी गाँवों में लागू नहीं हुआ है अभी, लेकिन जगह जगह आ गया है कई गाँव में। अच्छा यहाँ की जो टंकी बनी है उसका पानी सप्लाई आता है? बिल्कुल आता है। हाँ तो रेखा जी, ये ग्राउंड रिपोर्ट जो है रायपुरा जागीर की है, यही रोड है मुख्य जो आप देख रहे होंगे, ये रोड बना है। नाली और तमाम साफ सफाई को लेकर के शिकायतें हैं, लेकिन मोदी जी से अभी भी लोग खुश हैं। लोकल के प्रतिनिधि चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो, इन लोगों से चाहे ब्लॉक प्रमुख से खुश हैं? सही है, ब्लॉक प्रमुख से हो चाहे कोई भी लोकल के प्रतिनिधि है, उनसे कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी है। ये पूरी रिपोर्ट हमने जो है कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा समस्या जो है लोगों की दिखा सके, और इसको लेकर के तमाम लोग इकट्ठे भी हुए, अपनी बात भी रखी। ये मोदी जी के शासन में वो उम्मीद रखते थे जो भगवान से उम्मीद थी। मोदी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदमी मोदी जी, बहुत बढ़िया काम। खराब कौन है? खराब कोई नहीं, खराब कोई नहीं। और ये संतोष गंगवार, ये तो आदमी बेकार आदमी है। बेकार आदमी क्या? बेकार क्या आदमी? क्यों नहीं, क्या हुआ बेकार है? जो तो गोद लिया गया है उनका, गोद लिया है तो चाहे बेकार है। हाँ दिखाइए जरा कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब लोग अपनी शिकायत कर रहे हैं, ये पूरा कैमरे में आप देखेंगे। क्या शिकायतें हैं इनसे? है क्या शिकायत? क्या शिकायत? सांसद बन चुके हैं, 9 बार सांसद बन चुके हैं, और सब पैसा इकट्ठे कर रहे थे। हाँ अब टिकट कट गया, खुश हो? टिकट कट गया उनका? कट गया ना, चाहिए अब खुश हो? इनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए, ईडी का। हाँ ईडी का छापा पड़ना चाहिए। इनका छापा पड़ने वाला पड़ा है। हाँ तो सत्ता में है, उनपे थोड़ी पड़ जाएगा। सरकार है, सांसद बन चुके हैं। अच्छा रबड़ फैक्ट्री को लेकर के क्या दिक्कत है? रबड़ फैक्ट्री को लेकर ये इन्हें कराई? किसने कराई बंद? संतोष जी ने। संतोष जी ने रबड़ फैक्ट्री बंद? हाँ ये हम कहते हैं। अच्छा कितने लोग काम करते थे इसमें? ये बहुत लोग करते थे, हमारे चाचा करते थे काम। हमारे चाचा करते थे, आज तक लोग कुछ बनूंगा? आज भी कुछ? हाँ कुछ नहीं मिलते काम जी। आज क्या स्थिति है उन लोग की? उन लोगों ने आगे रोड तक ना मिली उन लोगों के लिए। हाँ बेचारे धाके में, कितने मारे गए धाके में। कोई पैसा नहीं मिला आज तक इस रबड़ फैक्ट्री का, कोई पैसा नहीं मिला है। सबके लिए वो चाहिए दलाली। तो मोदी जी से उम्मीद है रबड़ फैक्ट्री खुल जाएगी? हाँ खुलेगी। उनसे जो है लोग पार्टी को चुन रहे हैं।
बिल्कुल सत्येंद्र, यूपी के बरेली लोकसभा की सच्चाई जो है वो हम दर्शकों को दिखा रहे थे। हालांकि संतोष गंगवार जो कि यहां से 8 बार सांसद रहे, जिनका इस बार पार्टी ने टिकट काट दिया और इस बार टिकट जो है पार्टी की ओर से छत्रपाल गंगवार को दिया गया। लगातार हम चुनावी दंगल में यूपी के बरेली लोकसभा की सच्चाई और वहाँ के विकास कार्यों को जनता से रूबरू करा रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता भले ही वहाँ के विकास कार्यों से, सांसद के कामों से खुश ना हो, लेकिन मोदी के कार्यकाल से जनता जो है वो काफ़ी खुश है और मोदी जी से कोई परेशानी उन्हें नहीं है, जैसा कि आम जनता वहाँ कहती हुई नजर आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के बरेली लोकसभा की सच्चाई हम दर्शकों को दिखा रहे थे चुनावी दंगल में। आगे भी हम आपको महत्वपूर्ण मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।